नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर और धारा 370। हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होते थे, सबसे पहले सरकार के घोषणा पत्र में धारा 370 को हटाने का जिक्र होता था, लेकिन पिछले 70 सालों में इस मुद्दे का हल कोई नहीं कर पाया। लेकिन आखिरकार हिंदुस्तानियों के लिए वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब देश के नव निर्वाचित गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को कश्मीर से खत्म कर दिया। ऐसा कर अमित शाह ने 70 सालों बाद कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ दिया। अलग झंडा, अलग संविधान को खत्म कर देश को गर्व करने का मौका दिया। अब पूरे देश में सिर्फ तिरंगा ही फहराया जाएगा और कश्मीर में जो तिरंगे का अपमान होता था वो अब खत्म हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले से जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को मिर्ची लग रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी खूब मिर्ची लग रही है। इस फहरिस्त में अब एक और पाकिस्तानी का नाम शामिल हो गया है और ये नाम है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का। वैसे तो अफरीदी पहले भी कश्मीर के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन देखिए धारा 370 हटने पर इस पाकिस्तानी को कैसे मिर्ची लगी है। अफरीदी चाहते हैं कि यूएन इस मामले पर मध्यस्थता करे। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के भारत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफरीदी ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। अफरीदी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बनाए जाने पर सवाल किया और पूछा कि क्या यूएन सो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। जैसे हम सब के पास आजादी का अधिकार है, वैसे ही यूएन क्यों बनाया गया और क्या वो सो रहा है। कश्मीर में मानवता के खिलाफ जो बिना उकसावे के अपराध और दखल अंदाजी की जा रही है, उसे देखना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को मध्यस्थता करनी चाहिए। अफरीदी की इस बात से तो यही लगता है कि शायद वो टीवी नहीं देखते, शायद वो भूल गए ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान पर हिंदुस्तान का क्या जवाब था। बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस संबंध में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास कर दिया। बता दें कि अफरीदी पहले भी कश्मीर को लेकर बयान देते रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर का प्रस्ताव भी रखा था। पहले उन्होंने लंदन में छात्रों से बात करते हुए कहा था, मेरा कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, इसे इंडिया को भी मत दो, कश्मीर को अलग आजाद रहने दो, कम से कम मानवता जिंदा रहेगी, लोगों को मारो तो मत। उन्होंने आगे कहा था, पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, ये अपने चार हिस्सों को नहीं संभाल पा रहा है। सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, लोग वहां मर रहे हैं, ये दर्दनाक है। कोई भी मौत चाहे किसी भी समुदाय से हो, वो दर्द देती है। अब अफरीदी साहब को कौन समझाए कि पहले अपना देश संभालिए, ना कि हिंदुस्तान या कश्मीर पर अपनी टांग अड़ाइए। और रही बात अमेरिका की, तो अफरीदी को जान लेना चाहिए ये सरकार वो नहीं है जिसे अपने देश के फैसले लेने के लिए किसी और देश की मदद लेनी पड़े। I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made and I am saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start offering their mind. Because we have only 2 days left. So we have to understand the importance. आपका रीडर ने बोला डोराजी आप क्यों यार? He is capable. I heard him and also have taken it positively. So it's not Anandji. It's not only that bill. There are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज मुझे और हम बिल ले लेंगे। गुलाम नबी साहब देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। 5 मिनट सुनिए प्लीज। You are the leader of the opposition. You are well aware of the rules. You raised a relevant point.
It's important. Country is also taking note of the same, what is happening and all. It is the duty of the government to explain to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, Vaidyaya. We know. आप बैठ जाइए प्लीज कृपया आप बैठ जाइए श्री अमित शाह माननीय होम मिनिस्टर नथिंग एल्स विद गॉड गॉड अदर देन होम मिनिस्टर नथिंग एल्स विद गॉड गॉड सभापति महोदय शिवाजी प्लीज बैठिए मैं प्लीज सिट डाउन मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रिवाइव रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक करके डिवीजन करना है तो डिवीजन मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए उस पर भी मैं जवाब दूंगा अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल I have permitted the Home Minister, please. Mahoday, main sankalp prastut karta hoon. In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. Mahoday. It will come to you. One after another, it will come to you, please. Come. Mahoday, main sankalp prastut karta hoon ki ye sadan anuchhed 370-3 ke antargat भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश उपनियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो माननीय सभापति महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए
शासन अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।